नमस्कार, बोल के अब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सावरकर कभी भी वीर नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो चाहे भी तो इस तथ्य को नहीं झुटला सकती कि जब पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहा था, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को खत लिख रहे थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। दोस्तों, एक किताब का विमोचन था और देश के रक्षा मंत्री ने वहां एक विवादास्पद बात कह दी। मैं उसे विवादास्पद नहीं कहूंगा, इसे कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से अर्जित एक बात कह दी। उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जो तथ्यों से बिल्कुल परे है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपनी व्हाट्सएप पर पढ़ के उसे देश के सामने रख दिया। और सबसे शर्म की बात यह है कि यह बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं, जिनकी मैं निजी तौर पर बहुत इज्जत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ गिने चुने सुलझे हुए नेता हैं, मंत्री हैं, जिनमें एक राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि वीर सावरकर को वामपंथी बदनाम करते रहते हैं। सावरकर ने दरअसल कभी माफी नहीं मांगी, सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर माफी मांगी। अव्वल तो बात यह कि अंग्रेजों के सामने मुझसे कोई भी माफी मांगने के लिए कहे, मैं तो माफी नहीं मांगता। तो सावरकर जी ने उस शख्स के कहने पर माफी क्यों मांगी जिसका वैचारिक तौर पर सावरकर से कोई मेल नहीं था? कई सालों बाद जब महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे, देश के पहले आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने कर दी थी, उस दौरान कटघरे में सावरकर भी थे। हत्याकांड में सावरकर भी कटघरे में थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी की क्यों सुन ली? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो सरासर झूठ है, सरासर गलत बयानी है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे 1915 में, इस तारीख पर गौर कीजिए, 1915 में। और उससे पहले सावरकर एक नहीं, कम से कम तीन बार अंग्रेजों से माफी मांग चुके थे। तारीखों पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, जुलाई 1911। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर सेलुलर जेल काले पानी में थे और जेल में उन्हें डाले जाने के 6 महीने बाद उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। उसके बाद अक्टूबर 1913 फ्रंटलाइन में जो आर्टिकल छपा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इन अक्टूबर 1913 द होम मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सर रेगिनाल्ड क्रैडॉक visited the jail and met Savarkar amongst others. His note of November 23, 1913 recorded Savarkar's plea for mercy. Savarkar had submitted his second mercy plea petition on November 14, 1913. जी हां, November 14, 1913 को सावरकर ने अपना दूसरा माफीनामा लिखा और जो उसमें लिखा उन्होंने, हर भारतीय उससे शर्मिंदा हो जाएगा। राजनाथ सिंह, गौर कीजिए इस बात पर। I am ready to serve the government in any capacity they like. Where else can the prodigal son return but to the parental doors of the government? सरकार मुझे जिस भी ओहदे में चाहे, मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं। आखिर सरकार का यह बेटा और कहां आ सकता है? ये मेरे शब्द नहीं है, ये सावरकर के शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं, वैचारिक तौर पर खुद को सावरकर के करीब मानती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीब मानती है, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने एक नहीं बल्कि 6-6 बार माफी मांगी थी। और सबसे बड़ा झूठ, गांधी तो 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और उससे पहले ही सावरकर कम से कम 2 या 3 बार माफी मांग चुके थे। क्या इस बात को राजनाथ सिंह नजरअंदाज कर सकते हैं? सवाल यह कि क्या राजनाथ सिंह जैसे सम्मानित मंत्री भी अब झूठ का सहारा लेंगे सावरकर को महान बताने के लिए? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके एक चाटुकार हिस्टोरियन है विक्रम संपत,
उन्होंने एक किताब लिखी है सावरकर पर। आप सोच सकते हैं जो सावरकर पर किताब लिख सकता है उनकी महानता काम क्या बखान करें। उन्होंने कहा है आपके स्क्रीन पर ट्वीट करते हुए कि 1920 को महात्मा गांधी ने सावरकर की पैरवी की थी माफीनामे को लेकर। इन्होंने बाकायदा ट्वीट की है। अब मैं इसको इसकी पुष्टि नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हिस्टोरियंस में बहुत कम है, मगर ये दावा कर रहे हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। पहली बात तो आपका झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया कि सावरकर ने वाकई माफीनामा मांगा था। नंबर दो, दूसरा झूठ कौन सा, इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था, मगर महात्मा गांधी के आने से पहले ही वो कम से कम 3 बार माफी मांग चुके थे। और बड़ी बात ये, अगर 1920 में महात्मा गांधी ने सावरकर से ये कहा था कि भाई तुम माफी मांगो, तो सावरकर तैयार क्यों हुए? अंग्रेजों से माफी मांगने की आखिर क्या जरूरत थी माननीय सावरकर को? क्या हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात बतलाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इतिहास पूरा बिखरा पड़ा है। आरएसएस ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ सहयोग किया, वो संस्था जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक संस्था है, वैचारिक पूर्वज है, क्या आप मुझे बतला सकते हैं जब देश भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक हो रहा था, तब आरएसएस ने आखिर अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? क्या राजनाथ सिंह जी का इस बात पर जवाब है कोई? क्या वो बतला सकते हैं कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? और जब करीब 2001 या 2 की बात थी, जब 3 लोग नागपुर के मुख्यालय पहुंचकर तिरंगा फहराने की कोशिश करते हैं, तब आरएसएस ने उन 3 लोगों पर अदालत में केस कर दिया था। बताइए बताइए साहब, क्या इन हकीकतों से आप अपना मुंह मोड़ सकते हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सावरकर की क्या विरासत है, गोडसे की क्या विरासत है, क्योंकि सावरकर का सिर्फ एक योगदान था। जब देश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, तब ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, तब भी ये हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का प्रयास कर रहे थे। ये है काम सावरकर का, और उसकी विरासत मैं आपको बतलाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह आदमी है, यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने, आप देखिए, एक बच्चे को पकड़ रखा है और यह बतला रहा है कि यह बच्चा किसी साजिश के तहत उनके मंदिर में आया और यहां पर एक साजिश के तहत मंदिर को टारगेट किया जाना था। क्या लिखता है आदमी, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आसिफ के बाद अब अनस आज 10 अक्टूबर 21 को रेकी करते हुए मंदिर के अंदर पकड़ा गया। यह मुसलमान के बच्चे ट्रेंड कातिल हैं और सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस जाने कहां सोती रहती है, जो मुसलमान उन्हें नहीं दिखाई देते। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कहा है खुद वहां की पुलिस ने आपके स्क्रीन पर। गाजियाबाद पुलिस का बयान आपके स्क्रीन पर, आज दिनांक 10/10/2021 को डासना देवी मंदिर के महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती, थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के द्वारा ट्विटर पर अपलोड की गई वीडियो जो अनस के संबंध में की गई है, कि जांच की गई तो तथ्य इस प्रकार पाए गए कि अनस सैफी पुत्र अलीमुद्दीन निवासी उस्मान कॉलोनी डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 10 वर्ष की भाभी मोमिना, पत्नी सलमान निवासी उस्मान कॉलोनी डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, जो प्रेगनेंसी की अवस्था में मंदिर परिसर के बराबर बने CHC डासना में अपने इलाज हेतु आई और अनस उपरोक्त यहां की भौगोलिक स्थिति का ज्यादा जानकार नहीं है तथा आयु अवस्था बहुत कम है, वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और मंदिर में काफी श्रद्धालु भी थे, उन्हीं के पीछे धोखे से मंदिर परिसर में घुस गया। इसकी जो भाभी थी प्रेग्नेंट थी, अस्पताल में थी, और यह बच्चा जिसे बहुत जानकारी नहीं थी, गलती से घुस गया। अब यह यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस बच्चे को, इस 10 साल के बच्चे को आतंकवादी बता रहा है। यह है सावरकर और गोडसे की विरासत। अब एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। इंदौर के एक कॉलेज में दोस्तों गरबा हो रहा था, क्योंकि आजकल आप जानते हैं नवरात्रि है, एक कॉलेज को लेकर समारोह हो रहा था। अचानक कुछ लोग घुसे और वहां जो मुसलमान थे उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला। देखिए वीडियो। एक और कहां वो?
उसमें इधर से उसको पकड़ो ना, किसको ये चलो भाई साहब चार नाम। दोस्तों अगर तो कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता इस तरह के बयान दे तो बात समझ आए, मगर जब राजनाथ सिंह इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान, इस तरह की गलत बयानी करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। राजनाथ सिंह, मैं एक और विरासत बताता हूं आपको, गोडसे और सावरकर की, भोपाल से आपकी सांसद प्रज्ञा, इन्होंने हमारे शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था, कहा था कि मैंने उसे उस पर क्या सूतक लगा दिया था या शाप दे दिया था, एक शहीद को शाप दिया था। आतंकवाद में एक आरोपी जो इस वक्त संसद के अंदर है, यह है सावरकर और गोडसे की विरासत, और इस बात से मुंह कतई मत मोड़िएगा राजनाथ सिंह जी। दरअसल दोस्तों दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक अहम मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं और उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के मंत्री रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है वो फ्री वैक्सीन की वजह से, यानी कि मुफ्त में जो वैक्सीन दी गई हैं उसकी वजह से हुई है। सुनिए क्या कह रहे हैं। पेट्रोल दाम बेसी नए टैक्स लगवा थके अपना निश्चय वैक्सीन लैसे, ये वैक्सीन पैसा भी कर अपना तो दिया ना वैक्सीन पैसा निश्चय ये वैक्सीन पैसा भी तेने धरने, यानी कि ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जो कोरोना में जो वैक्सीन लगाए गए वो मुफ्त नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूं रामेश्वर तेली से और मोदी सरकार से, आपने जो तमाम पेट्रोल पंप्स में प्रधानमंत्री की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगा दी है जिसमें पूरा देश उन्हें धन्यवाद दे रहा है मुफ्त वैक्सीन के लिए, इसका अर्थ ये हुआ कि वैक्सीन मुफ्त बिल्कुल नहीं थे? सरकार ये दावा जो कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन्हें करोड़ों रुपए मिलता है वहां से उन्होंने ये पैसा स्थानांतरित नहीं किया था। तो कृपया ये जो आप गलत बयानबाजी अब तक करते रहे हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे थे, इसे बंद कीजिए। रामेश्वर तेली आपको एक्सपोज कर चुके हैं। और दूसरी बात भी दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब से अपने खजाने से पैसा दिया होता तो मैं कहता मुफ्त है, ऐसा तो बीजेपी ने नहीं किया। जो ये तमाम पैसा है ये टैक्स पेयर्स का ही पैसा है जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए वो देता है, तो फिर आप मुफ्त का ये राग क्यों अलापते हैं? जब पोलियो को लेकर वैक्सीन्स दी जा रही थी वो भी तो मुफ्त वैक्सीन्स दी गई थी, उस वक्त की सरकार ने क्या उसको लेकर ढिंडोरा पीटा था? जिस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा हर पेट्रोल पंप में दिखाया जाता है और आप लोग उसको लेकर ढिंडोरा पीटते रहते हैं, कृपया देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। रामेश्वर तेली साहब का यह बयान वाकई हास्यास्पद है। और बयान यहां पर नहीं रुकता दोस्तों, अब आपके सामने एक और बयान, यह भी बहुत ही हास्यास्पद बयान है। यह है कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, यह कह रहे हैं कि कोयले को लेकर जो कमी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश हो गई। अंग्रेजी में क्या बयान है पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। Due to rains, there was coal shortage, causing an increase in international prices from 60 rupees per ton to rupees 190 per ton. Subsequently, imported coal power plants are either shut for 15 to 20 days or producing very less. क्या कह रहे हैं कि साहब बारिश हुई उसकी वजह से कोयले के दाम बढ़ गए, जो विदेशों में बसे कोयले के तमाम प्लांट्स थे वहां पर कोयले की कीमत बढ़ गई बारिश की वजह से। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रहलाद जोशी जी से, दो सवाल हैं आपसे मेरे। इस देश में पहली बार तो बारिश नहीं हुई है, 70 साल से बारिश हो रही है और पिछले 70 सालों में कई बार बारिश बहुत तेज हुई है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 70 साल में ऐसे कितने मौके रहे हैं जब बारिश की वजह से कोयले के दाम बढ़ गए हों, बताइए प्रहलाद जोशी जी। और आपने जो इतना लंबा चौड़ा मंत्रालय बना रखा है, कहां है कंटिंजेंसी प्लानिंग? आप लोगों ने पहले से प्लान क्यों नहीं किया? क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं चल रही थी कि अगर तेज बारिश होती है और उससे कोयले के दाम बढ़ते हैं तो कहां है आपकी प्लानिंग? किस बात के लिए आपकी सरकार है? किस बात के लिए देश की जनता ने आपको 350 सांसद दिए हुए हैं? तो चाहे रामेश्वर तेली हूं या प्रहलाद जोशी, देश की जनता को कृपया मूर्ख बनाना छोड़िए।
चाहे वैक्सीन के नाम पर या कोयले के नाम पर। आज जो बोल के लब आजाद है तेरे में, मैंने आपके सामने मुद्दे उठाए, ये तीनों मुद्दे ये बतला रहे हैं कि चाहे सरकार के सम्मानित मंत्री हो, चाहे सरकार की छुटभैया नेता हो, ये सब देश को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हम आदत से मजबूर हैं दोस्तों, कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे। हम बोलते हैं, हम वो मुद्दों पर आपके सामने बातें रखते हैं जिनका ताल्लुक आप यानी आम जनता के साथ है। आम जनता अगर आंखें मूंदी रहे मुझे उससे कोई परवाह नहीं, मगर मैं अपनी बात लगातार कहता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.